छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के नाम की सुपारी निकली है। देवेंद्र के इंस्टाग्राम अकाउंट में किसी ने मैसेज कर जान से मारने की धमकी भी दी है। देवेंद्र के विधायक प्रतिनिधि ने पुलिस में एक लिखित शिकायत की थी कि अंकित कुमार 2121 इंस्टाग्राम अकाउंट से एमएलए देवेंद्र यादव के अकाउंट में मैसेज कर जान से मारने की चैटिंग थी। एसएसपी ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सीएसपी भिलाई नगर को जांच टीम बनाने के निर्देश भी दिए थे। अब पुलिस ने एमएलए की सुपारी वाले मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इंस्टाग्राम में अंकित नामक युवक ने मैसेज कर बताया कि शुभम नामक युवक आपके नाम की हत्या की सुपारी उसे देना चाहता है। युवक काफी डर गया और इस मामले की जानकारी उसने इंस्टाग्राम में वॉइस मैसेज के रूप में दी। इंस्टाग्राम वॉइस मैसेज में अंकित ने बताया कि वह पावर हाउस स्टेशन में शुभम से मिला था। शुभम ने उसे 500 रुपए भी दिए, साथ ही वहां के पुलिस वालों को भी दारू की बोतल दी और उन्होंने और अंकित से कहा कि 2 लाख रुपए ले लो और विधायक देवेंद्र यादव की फोटो दिखाकर उसकी हत्या करने की बात कही। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है। देवेश पाडिगर ने आवेदन दिया, उस आवेदन में बताया कि अंकित नामक व्यक्ति इंस्टाग्राम में माननीय विधायक जी को मैसेज किया है कि आपको कोई एक अन्य व्यक्ति मारना चाह रहा है। इस पर तत्काल हमने FIR किया है और उस पर विवेचना जारी की। विवेचना में यह तथ्य आया कि अंकित जो कि मनोचिकित्सक से अपना इलाज करा रहा है, थोड़ा सा साइको है और बचपन से इसका इलाज चल रहा है, पहली बात तो ये आई। दूसरा, फिर जिस ID की बात कर रहा था हमने उसको भी पकड़ा। ये 3 लोग थे, आपस में बैठ के शराब पी रहे थे और शराब पीते ही कुछ लूज टॉक होता हुआ है जिसमें फिरौती और अन्य कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं, इसकी विवेचना की जा रही है। जो मनीष है जिसने लूज टॉक किया है उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि अंकित और सत्ता आपस में परिचित हैं। 17 जनवरी की शाम दोनों अपने घर से लड़ाई करके निकले और बीच में मनीष सोनकर से लिफ्ट लिए, यही उनकी आपस में पहचान हुई। गवाहों से पूछताछ में किसी भी प्रकार की फिरौती या साजिश जैसी गंभीर तथ्य प्रकाश में नहीं आए हैं। उल्लेखनीय है कि अंकित का बचपन से मानसिक इलाज चल रहा है। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज में 5th semester का छात्र है। उसका पिछले 4 पेपर में बैक लगा हुआ है। बता दें कि चुनाव के वक्त विधायक देवेंद्र यादव के नाम से आपत्तिजनक वीडियो वायरल किया जा रहा था। इस मामले में पहले भी शिकायत हो चुकी है। चुनाव के दौरान इस मामले को लेकर भी सियासत तेज हुई थी। यही वजह है कि अब विधायक को जान से मारने जैसी शिकायत पर पुलिस ने तेजी दिखाते हुए गुत्थी को सुलझाने का दावा किया है। दुर्ग से रघुनंदन पंडा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।